हम ऐसे एक परिवार का हिस्सा हैं जो इतना बड़ा है, इतना खूबसूरत है और इतने ऐसे मौकों पे सब एक साथ एक छत के नीचे आके सेलिब्रेट करते हैं। यार इनको तैयार होने की जरूरत है क्या यार? मतलब ही आई एम स्टिल कंपीटिंग। बस 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 बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स लाइक प्रॉपर सेलिब्रेशन है ये। टॉम एंड जेरी वाला जो इक्वेशन है हमारा, यही हमारा सेट पे भी है, इसीलिए हम लोग की रील्स में वो मजा निकल के आता है और लोगों को इतना मजा आता है वो रील्स देखने। तो मैं खुद तैयार हुई हूँ ना अपने आप, 10-50 लोग मेरे पे वर्क नहीं कर रहे थे। हाय, मैं हूँ सुधांशु पांडे और आप लोग देख रहे हैं सेलेब मोड। हाय, मैं हूँ आशीष मेहरुत्रा एंड आप लोग देख रहे हैं सेलेब मोड। हाय, मैं हूँ मदालसा शर्मा और आप लोग देख रहे हैं सेलेब मोड। आधा घंटा वो मेरा स्टैंडर्ड नहीं, वो मेरा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आधा घंटा टॉप्स, क्योंकि मैं खुद तैयार हुई हूँ ना अपने आप, 10-50 लोग मेरे पे वर्क नहीं कर रहे थे, सो इट्स ऑलवेज फास्टर लाइक दैट। हाँ जी, मुझे करीब 1.5 घंटा लगा तैयार होने में। बस यही जो आप हमारा ये जो टॉम एंड जेरी वाला जो इक्वेशन है हमारा, यही हमारा सेट पे भी है, इसीलिए हम लोग की रील्स में वो मजा निकल के आता है और लोगों को इतना मजा आता है वो रील्स देखने में। बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स लाइक प्रॉपर सेलिब्रेशन है ये, एंड यहाँ पे साथ में रहना डीकेपी परिवार के साथ इट्स सेल्फ इज़ अ वेरी गुड फीलिंग। इतने सारे लोगों को जिनको हम डेली बेसिस पर मिल नहीं पाते हैं, ऐसे मौकों पर हम उनको मिलते हैं, हम उनसे बातें करते हैं, सो ऑफकोर्स बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे आपने देखा कितने अच्छे से सजाया है जगह को, सो या अरे तुम जा क्यों रहे, तुम यहाँ रहो, जा रहे हम बातचीत करेंगे। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ यार। देखिए सब लोग कितनी अच्छी तरह से रेडी होके आए हैं ईद के लिए। ये मैं तैयार हूँ, मुझे देख फिर बोल। हाँ मतलब हाँ, मुझे देख यार, इनको तैयार होने की जरूरत है क्या यार? मतलब ही आई एम स्टिल कंपीटिंग। बस बस बस, आई एम स्टिल वे फार अवे। बस बस, बट नहीं नहीं, सच अ गुड लुकिंग गाय यार, और ईद मुबारक आप सबको। और हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि हम सबसे मिलकर ईद की खुशियां बांटना चाहते हैं, और आप सब हमें ऐसे ही देखते रहिए, ऐसे ही प्यार करते रहिए, और पापा और मेरा बैंटर देखते रहिए, मतलब कि जो हाँ, हाँ जो हमारा शो है अनुपमा उसके हिसाब से। एंड और क्या बोलूँ मैं, और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद की बहुत 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 मुबारकबाद आप सभी को, हम सबकी तरफ से। तीनों शोज में यार अपनी बात करता हूँ। ये बॉन्डिंग है। ठीक है, तीनों शोज में तो आज हम लोग मिले हैं यहाँ पे, तो आज देखते हैं कितना टाइम मिलता है, अगर किसी से बॉन्ड बनेगा तो डेफिनेटली विल इन्फॉर्म, बट अभी फिलहाल हम लोग वी आर ऑल हियर एज अ फैमिली और एज अ डीकेपी फैमिली, और आई थिंक यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम ऐसे एक परिवार का हिस्सा हैं जो इतना बड़ा है, इतना खूबसूरत है और इतने ऐसे मौकों पे सब एक साथ एक छत के नीचे आके सेलिब्रेट कर रहे हैं। आशीष तू बता, आज क्या कहना चाहेगा तू, आगे जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं तू बता। आई थिंक यही एक हमारे शो का यूएसपी है कि अगर जो हम अगर आपको रिवील कर देंगे तो फिर आप शो क्यों देखेंगे। ये जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं ये ऐसे ही बरकरार रहेंगे और ऐसे ही आपको घुमाते रहेंगे और हम भी उस पर घूमते रहेंगे ताकि आप लोगों को मज़ा आता रहेगा, है ना। तो मैं उसको रिवील नहीं करूँगा, कीप वॉचिंग अनुपमा फदाई। वो इसलिए कि जो राइटर्स हैं वो लोग वनराज के साथ बहुत खेलते हैं। उसका रीज़न यह है कि वनराज की कोई डेफिनेशन नहीं है एज अ कैरेक्टर, वनराज ऑथर बैक नहीं है, तो यही उनके पास एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा प्यादा है जिसके साथ वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी सरप्राइज डाल सकते हैं ऑडियंस के सामने, और वही करते आए हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भी इंटरेस्ट वनराज को प्ले करने में आज तक डल नहीं हुआ है, तो मुझे बहुत मज़ा आता है, एंड आई थिंक राइटर्स हैव गिवन मी अ ब्रिलियंट स्कोप टू परफॉर्म। एब्सोल्युटली, नहीं मेरे बारे में, वनराज को तो बहुत अच्छा स्कोप मिलता है हर बार परफॉर्म करने का, एंड इतना अच्छा परफॉर्म करते भी हैं इसीलिए ऑडियंस उनको इतना पसंद करती है। और अगर मैं अपने कैरेक्टर की बात करूँ तो यस, डे वन से काव्या के कैरेक्टर में बहुत सारे लेयर्स रहे हैं,
एक एक टोन नहीं रहा है. शुरू में इट स्टार्टेड ऑफ मी बीइंग वेरी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिकल अ लिटिल ग्रे, जो कि हम कहीं ना कहीं हैं ही अपनी पर्सनल लाइफ में. नोबडी इज कम्प्लीटली यू नो पॉजिटिव या कम्प्लीटली नेगेटिव. सो येस, आई हैव ऑलवेज बीन अ गो गेटर इन द शो. एंड अब जाके जब मैं शाह परिवार का हिस्सा बन गई हूँ, तब सबको, सारी फैमिली को इतना प्यार देने का मुझे मौका मिल रहा है, इसलिए मैं थोड़ी पॉजिटिव भी हो गई हूँ. बट यू नेवर नो कल क्या हो. कल वापस काव्या ग्रे या वापस एकदम पॉजिटिव या जैसे भी हो, या ट्विस्ट एंड टर्न्स जिस तरह से आएंगे, काव्या उस तरह से रिएक्ट करेगी. सो येस, आई एम वेरी थैंकफुल कि एज अ कैरेक्टर मुझे वो सारे शेड्स परफॉर्म करने का मौका मिला है, बिकॉज दैट्स वॉट कीप्स इट गोइंग. यू नो, फॉर एन एक्टर हम यही चाहते हैं कि हमें ऐसा स्कोप मिलते रहे जहाँ हम अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करें. थू 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 बस तीनों की तरफ से एक एक था. हाँ बहुत अच्छे. चैनल आईडी नहीं, चैनल को नहीं, चैनल का आईडी चाहिए या मैं ऑडियंस को मैसेज. तो ऑडियंस को मैसेज यह है कि आप सभी जिस तरह से हम लोग को इतने सालों से प्यार देते आए हैं, ऐसे ही प्यार देते रहिए और हम लोग आप तक एंटरटेनमेंट पहुंचाते रहेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. येस, द सेम मैसेज. आई थिंक आप लोगों का ऐसा ही प्यार बना रहेगा तो हमें इंस्पिरेशन मिलती रहेगी, हम ऐसे ही परफॉर्म करते रहेंगे, आपको एंटरटेन करते रहेंगे और आप लोग हमें देखते रहेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू इतना सारा प्यार हमें देने के लिए. एंड येस, ऑफकोर्स हमेशा की तरह हम आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे और आपको हमेशा एंटरटेन रखेंगे. थू थू थू.